सीबीएसई के बाद आईसीएसई 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो तमाम छात्र थे, उनके पेरेंट्स थे, अभिभावक थे, वो आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। इस वक्त न्यूज बायोस्कोप की टीम पहुंची है राजधानी रांची के एक प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जेवियर्स डोरंडा रांची में, जहाँ कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चे आए हुए हैं जिनका अभी अभी रिजल्ट 10th का जारी हुआ है। हम सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य शौर्य सिंह है। ये 10th में क्या रिजल्ट आया आपका? मेरे को 98.4% आया 10th में। आपका क्या नाम? मेरा नाम सूर्य स्वरूप है। मेरे को 95.2% आया इस बार। तो ये क्या लग रहा है, ये आपने जो मार्क्स लाया है, इसमें रोल किसका इम्पोर्टेंट लगता है? स्कूल का, पेरेंट्स का, आपका, सोसाइटी का, क्या लगता है? सभी का रोल इम्पोर्टेंट है। टीचर्स और स्कूल का तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद घर में पेरेंट्स हमें लगातार सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, क्या रोल किनका इम्पोर्टेंट रहा है? यहाँ पे सबका एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन है। स्कूल, टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सब हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाए। हमारे पेरेंट्स हमें जितना बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं वो करते हैं, और हम अपने तरफ से जितना बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं हमें करना चाहिए, जो मुझे लगता है। आज के समय में सबसे जो इम्पोर्टेंट एक थ्रेट है वो है डिस्ट्रैक्शन। स्मार्टफोन हो, 5G मोबाइल हो, वो कितना आप लोगों को इतना डिस्टर्ब किया? नहीं, जब से ये 2023 स्टार्ट हुआ उसके बाद से मैंने तो कोई मोबाइल नहीं, मतलब सोशल मीडिया से तो एकदम दूर अभी भी हूँ, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। लेकिन इसी फॉर्मेट में जी बिल्कुल, मार्क्स अच्छे लाने हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को तो दूर रखना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होने वाला है। आगे सोचा आगे क्या करना? आगे तो इंजीनियरिंग लाइन ही पकड़ना है मुझे। आपने क्या सोचा? मैंने सोचा है कि मैं बाहर फॉरेन से MIT यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करूँगा। आप अगर 10th के समय अगर अपने क्रिस्टल क्लियर सोच सकते हैं कि भविष्य में आपको क्या करना है, तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन उन रास्तों को आसान करने में पेरेंट्स यानी अभिभावक, गार्जियन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। एक गार्जियन भी हमारे साथ हैं और उनकी बहनें, इन दो बच्चों की बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बहन है, आपसे बात करते हैं। आपने तो थ्रू आउट कहते हैं कि प्ले स्कूल से लेकर मेट्रिकुलेशन जो मेहनत किया उसका आउटकम निकला है, आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा लगा सुन करके कि बच्चा मेरा अच्छा किया, रिजल्ट अच्छा लाया, इसे खुशी क्या हो सकती है? अपना चेहरा भी बता रहा है ना, मुस्कुरा रहा है। किस तरह सेलिब्रेट करेंगे बच्चे के साथ? बच्चे को और इसको और ज्यादा ज्यादा इसको आश्वासन देंगे और इसको मनोबल बढ़ाएंगे कि और आगे इससे भी अच्छा करो। इसके सोच के साथ आगे बढ़ेंगे या अपनी सोच इसके ऊपर सोच और अपने अनुकूल हम लोग आपस में बैठ करके इसको डिसाइड करेंगे कि आगे तुमको क्या अच्छा रहेगा। अच्छा, ये कहते हैं कि जो बचपन में ही जो पढ़ने लिखने का तौर तरीका है वो बता देता है कि आगे बच्चे क्या करेंगे, तो ऐसा आपको आभास हुआ? शुरू से ही अपना पढ़ने के प्रति है। मार पिटाई की जरूरत नहीं? नहीं, कभी कभी पिटा पिटकी कभी कभी खेलने के लिए तो, लेकिन अपने तरह से बहुत अच्छा सिंसियर रहता था। कहते हैं छोटे जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों से सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनकी बहनें भी हैं। आप लोगों का जो गाइडेंस रहा कितना फ्रूटफुल रहा? हमारा तो गाइडेंस इसको पता ही होगा कि कितना फ्रूटफुल है, हमने इसे बहुत गाइड किया है क्योंकि हम भी ICSE से पास आउट हैं। मैं 2016 की बैच की हूँ और मैंने इसे कंप्यूटर और मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा गाइड किया है, ही मस्ट बी नोइंग दैट। एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि सूर्या को इतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स आया है, एंड दिस इज़ द बेस्ट स्कोर दैट ही हैज़ गॉट टिल नाउ, सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एक फैमिली में एक बच्चा अगर 95 ले आए तो नेक्स्ट बच्चे पर ये दबाव प्रेशर रहता है कि आप 90+ लाना है, क्या इस तरह का आप फैमिली में ये दबाव पड़ता जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे फैमिली में आज तक पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा है कि तुम्हें 95%+ ही लाना है या 90%+ लाना है, बट हम तीनों ने हमेशा से पेरेंट्स के लिए अच्छे से अच्छा करने का कोशिश किया है, और हम सब ने अच्छा अच्छा मार्क्स लाया, हम सब ने 90+ लाया है। इसने 12th में 95+ स्कोर किया है, इसने अब 10th में 90+ स्कोर किया है, मैंने खुद 10th में 92% स्कोर किया था, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई फादर एंड माई मदर। आप क्या इस बच्चे को मोबाइल फोन मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मतलब दोनों यूज किया, बिकॉज वो जानता है कि कितना कहाँ यूज़ करना है, ही हैज़ अ बैलेंस्ड लाइफ बिकॉज ही नोज दैट वेयर ही हैज़ टू पुट हिज मोर एफर्ट, तो वो उतना ही यूज़ करेगा जितना मन उसका एंटरटेनमेंट हो सके। एक्चुअली ही वॉज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, तो ये तो इसको आना ही था। और ये भी बताना चाहेंगे, आज का दिन बेहद खास और अहम है, आज मदर्स डे भी है, तो एक माँ को इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, मेरी माँ ने मुझे जितना हेल्प किया है, जितना अच्छा मुझे बैकग्राउंड प्रोवाइड किया है, जितना वो बेस्ट से दे सकती थी उन्होंने वो किया है, तो अब ये मेरा फ़र्ज था कि मैं उन्हें बेस्ट से बेस्ट दूँ, तो
मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दिया और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा गिफ्ट कोई हो सकता था। आप भी ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। ये मेरी मम्मी के लिए अभी तक का बेस्ट मदर्स डे गिफ्ट है जो आज आया है बस। आपकी मदर को, पेरेंट्स को ये पता है? हाँ हाँ, घर में सब साथ में देख देख के आए। सबसे पहले खुश होने वाली मेरी मम्मी ही थी यार, पापा तो खुश है ही। तो आपने सुना, कुछ एक बच्चे थे, कुछ एक पेरेंट्स थे, उनके बहनें थी, और तमाम लोगों की जो खुशी है वो चेहरे से झलक रही है। जाहिर सी बात है, आज का दिन हमेशा हमेशा आप अपने पूरे लाइफ में, पूरे मुस्तकबिल में आप इसको याद रखते हैं। हमारी भी दुआएं छात्रों के साथ है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज बाइस को। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कोई उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।